सुप्रभात दोस्तों, आज मैं पुनः अपने खेत में आया हूँ। सोचा मैं कि आप लोगों से हालचाल भी हो जाए और अपने खेत के फसल के को दिखा भी सकूँ आपको। देखें दोस्तों, ये मेरे खेत की फसल है। रात में कुछ बारिश हुई है, हल्की फुल्की, जो फसल के लिए ठीक है। मैंने पिछले हफ्ते में भी दवा डलवाई है इसमें, कीटनाशक की, जो हमने आपको दिखाया था वीडियो। और ये देखिए दोस्तों, फूल आ गया है। फूल ये है, उड़द है और फूल है, और ये देखिए चिमियाँ भी आ रही हैं। कीड़े तो नहीं है, उससे ठीक है कि जो हमारे फूल हैं, छीमी हैं, ये सब बकरार रहेंगे तो इसके जिसे बहुत अच्छा होगा। इधर का कुछ जो है हल्का हो गया था शुरू में बोने में, उसके बावजूद भी ठीक ठाक है। देखिए अगर सब ठीक ठाक रहा तो पूरा 1 क्विंटल के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 1.25 बीघा है। देखिए दोस्तों, उधर चरी लगी हुई है, थोड़ी काट ली गई है, जानवरों को खिलाया गया है। इधर है ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा खेत है उड़द का। फली आने लगी है और हफ्ते 10 दिन में फूल जो है ख़त्म हो जाएगा सारे, और फली ये देखिए दोस्तों, फूल आया हुआ है सब पूरा पूरा। अगले हफ्ते में फिर एक कीटनाशक दवा डलवा दूंगा जिससे कीड़े फली को खराब न कर सके। और जो तार मैंने लगवाया, देखिए 4 तार लगवाया है जानवरों के लिए, इसी की वजह से संभव हो पाया है बचाने में फसल को। मवेशी बहुत हैं, ये देखिए बगल में जो खेत हैं इसमें भी लोग बोए थे, हमारे जो पड़ोसी हैं गांव के बोए थे उड़द, सारा जो है मवेशी चर गए और कुछ बचा नहीं है। देखिए हमारे यादव जी हैं, हमारे पड़ोसी हैं पीछे, ये देखिए उड़द बोए हुए हैं। देखिए ये उड़द है और ये दोनों खेत उड़द हैं और उधर चारा बोया है, तो इन्होंने भी तार लगा रखा है तब बच पाया है। उधर यादव जी हमारे हैं, बहुत खास हैं, देखिए उधर मकई बोए हुए हैं। और दोस्तों ये मेरा गांव है पुश्तैनी, इस घर के आगे मेरा घर है। सुबह आता हूँ वाइफ
चूँकि टीचर हैं, सुबह उनको छोड़ने आता हूँ तो खेत देखने चला आता हूँ कि बड़े मेहनत से और प्यार से खेती किया है उड़द की, तो मन लगा रहता है कि कहीं जानवर ना तार कूद कर कोई चला गया हो तो नुकसान हो जाए, इसलिए जो है यहाँ ज़रूर आता हूँ सुबह सुबह। ये देखो दोस्तों, ये चारा है, चरी कहते हैं इसे, जानवरों को खिलाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हाईवे है, मेन हाईवे है हमारा, ये बहराइच टू लखनऊ हाईवे है, मात्र यहाँ से 150 मीटर पे है। बहराइच शहर से 5 किलोमीटर पे ये प्लाट मेरा है, गांव भी है मेरा 5 किलोमीटर पे, जो बहुत नज़दीक है, कहीं दूर नहीं है, शहर में ही लगभग आता है। अभी नगर पालिका नहीं है, अभी ग्रामीण है, और 3 किलोमीटर तक नगर पालिका हो गया है, बस 2 किलोमीटर शेष बचा है। आने वाले समय में लगभग 4-5 साल में ये नगर में हो जाएगा। अभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वहीं पे, आवास है, किराए का ही समझ लीजिए, सरकारी आवास है, उसी में रह रहा हूँ। जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, इंटरमीडिएट निकल जाएंगे, तब मैं यहाँ पे छोटा सा घर बनाऊँगा रहने के लिए। बेटा तो मेरा बड़ा वाला, उसको मैंने भेज दिया राजस्थान कोटा नीट तैयारी के लिए, अभी पिछले महीने 2 अप्रैल को गया था। तो बाकी और जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाएं, तब मैं यहाँ शिफ्ट होऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए छीमी फली आ गई हैं, ये उड़द की फली आ गई है। ये दोस्तों, ये देखिए, दोस्तों इधर मैंने सब्जी खाने के लिए भिंडी बो रखा है। ये देखिए दोस्तों, है तो थोड़ा ही मगर सब्जी के लिए पर्याप्त तो है। अभी मैं कल लेके गया हूँ लगभग 2-3 किलो भिंडी। ये देखिए भिंडी लगी है दोस्तों, ये भिंडी है, ये देखिए भिंडी, ये समझ लीजिए प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें खाद वाद बहुत कम डाले हैं। इतना थोड़ा हल्का हो गया है पानी की वजह से, पानी व्यवस्था भी है, बोरिंग है मगर थोड़े के लिए व्यवस्था नहीं करवा पाए हैं, बारिश हुई है तो लग गया है पानी थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, भिंडी लगी हुई है, ये तोड़ने वाली है, शाम को आऊँगा तब तोड़ूँगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आप सबका आशीर्वाद मिल सके हमें, और आगे भी मैं वीडियो बनाकर डाल सकूं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।